तो हे गाइस वेलकम बैक। तो यार कैसे हो आप लोग। धीरे धीरे काफी ज्यादा मजेदार होता जा रहा है और एपिसोड 23 तो काफी ज्यादा कमाल का एपिसोड रहा। हमें लग रहा था कि लीको के पास में ज्यादा पावरफुल पोकेमोन नहीं होंगे इस रीजन में, यार उसके पास में लेजेंडरी पोकेमोन है। बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ, लीको ने अपना लेजेंडरी पोकेमोन कैच कर लिया है और नहीं यार मोल्ट्रेस पोकेमोन है। इसी के साथ में लीको का जो टेरापेगस है यानी कि उसका पेंडेंट से जो पोकेमोन निकलता है वो परमानेंटली निकल चुका है, पेंडेंट वाले फॉर्म में नहीं जाएगा। लेकिन उसने क्या ही कमाल का किया एंड देन यहाँ पर लीको जो है पॉकेबॉल फेंक कर मोल्ट्रेस को कैच कर लेती है कि मोल्ट्रेस ही उसके साथ में जाना चाहता था क्योंकि मोल्ट्रेस को ऐसा लगा कि वहाँ वो एशियन टाइप का पॉकेमोन ट्रेनर है, उसे जाना चाहिए, वो जो काफी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। लगातार कई पॉकेमोन कैच कर लिए हैं जैसे कि स्पिगिटिटो जो कि उसका स्टार्टर पॉकेमोन है, बाद में हेटेना पॉकेमोन और इसके अलावा मोल्ट्रेस पॉकेमोन और टेरापेगस भी हो गया उसके टीम में। पर तुम ही सोच के देखो यार क्या ही टीम है। साथ में लीको के टीम में दो लेजेंडरी पॉकेमोन हो चुके हैं, सकते यार कितना ज्यादा पावरफुल पोकेमोन टीम है उसका। वाले टाइम में हमें और भी पोकेमोन देखने को मिल सकते हैं जो कि लीगो की टीम में होंगे, वो भी खतरनाक वाले। ऐसे ये जो एपिसोड था वो काफी ज्यादा अमेजिंग एपिसोड था, तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके बताना।